वेलकम टू आवर स्कूल श्रद्धा इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट रिलीज। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सोलंकी श्वेता है, मैं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ले रही हूँ। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अवर एनवायरमेंट, यानी कि अवर एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास में जो चीज है, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट। आपको अपनी बुक आपके टेबल पर रखनी है और उसमें ही ध्यान रखना है। चलो मैं आपको हार्डवर्ड्स चैप्टर के साथ ही एक्सप्लेन करते जाऊंगी, तो आपको हार्डवर्ड्स भी अच्छे से लर्न करना है। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ये येलो बॉक्स दिखाई देगा, वो रीड कर रही हूँ मैं। टेक अ वॉक अराउंड योर स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि आपको देखना है कि आपको आसपास जो कोई स्कूल का प्लेग्राउंड है उसमें आपको चलना है, वॉक करना है। और ऑब्जर्व द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू, आपको प्लेग्राउंड में आसपास में ऑब्जर्व करना है, जो थिंग्स है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी द फॉलोइंग, आपको इसमें से क्या दिखाई देगा। चलो नीचे 4 पिक्चर्स आपको दिए हैं। फर्स्ट है वो एक बॉय है यानी कि लड़का है जो स्कूल बैग लेकर जा रहा है। सेकेंड है वो आम का पेड़ है। थर्ड है वो पत्थर स्टोन है। और फोर्थ सन सूर्य है। उसमें से आपको राइट और रॉन्ग करने हैं। पुट अ लाइट इफ यू थिंक दे ब्रीथ, यानी कि थिंग्स है वो ब्रीथ यानी कि श्वास ले सकती है। ईट फूड यानी कि खाना खा सकती है। एंड ग्रो यानी कि बढ़ सकती है। तो आपको उसमें राइट टिक करना है बॉक्स में। एंड पुट अ क्रॉस यानी कि क्रॉस करना है इफ दे डू नॉट ब्रीथ, यानी कि वो श्वास ब्रीथ नहीं कर सकती। ईट फूड यानी कि खाना भी नहीं खा सकती। एंड ग्रो यानी कि बढ़ भी नहीं सकती, उसमें आपको क्रॉस करना है। सो आपको बताना है, फर्स्ट है वो चिल्ड्रन है, उसमें आपको बच्चा है, उसमें आपको क्या टिक करना है। यस, राइट टिक करना है। आपको प्लेग्राउंड में बच्चे दिखाई देते हैं ना, यस। सेकंड वो आम का पेड़ है, उसमें आपको क्या टिक करना है, राइट टिक करना है। आपको प्लेग्राउंड में पेड़ दिखाई देते हैं। थर्ड है वो स्टोन, प्लेग्राउंड में आपको स्टोन दिखाई देते हैं। और वो है वो ब्रिज, ईट फूड एंड ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसमें क्रॉस करना है। देन फोर्थ सन, वो भी ब्रिज श्वास नहीं ले सकते, ईट फूड खाना भी नहीं खा सकते और ग्रो बढ़ भी नहीं सकते, इसलिए आपको उसमें क्रॉस चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म अवर एनवायरमेंट, यानी कि सभी चीज है वो हमारे आसपास में हमें कहाँ दिखाई देती है, एनवायरमेंट यानी कि पूरे ये एनवायरमेंट में। इसलिए हमारा फर्स्ट हार्डवर्ड है वो क्या है, एनवायरमेंट। ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एनवायरमेंट। इसलिए आपको ये हार्डवर्ड्स अपनी ईवीएस की सीडब्ल्यू बुक में 2 टाइम्स लिखने भी है और अच्छे से लर्न भी करने हैं। देन सेकंड, अवर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वॉटर, सोइल, प्लांट्स, बर्ड्स, पीपल, एनिमल्स, द सन, माउंटेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज आती है। फर्स्ट है एयर यानी कि हवा, सेकंड वॉटर यानी कि पानी, थर्ड सोइल यानी कि जमीन, फोर्थ प्लांट्स यानी कि सभी छोटे छोटे और बड़े प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो, देन बर्ड्स पक्षी, देन पीपल यानी कि मनुष्य, देन एनिमल्स, द सन एंड माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पर्वत, रोड्स यानी कि रास्ता, देन बिल्डिंग्स यानी कि जो हाउस घर होते हैं वो, एंड मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस यानी कि कई ऐसी दूसरी चीजें वो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है। देन आफ्टर नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, यानी कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड के थिंग्स के बारे में हम जानेंगे। तो नेचुरल का स्पेलिंग क्या होता है, वो हमारा 5th नंबर का हार्डवर्ड्स है। तो सेकेंड हम हार्डवर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं। प्ले ग्राउंड, पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी, प्ले ग्राउंड। थर्ड
माउंटेन्स MOUNTAINS माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। फोर्थ बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग्स जो हाउस होते हैं बड़े बड़े उसे हम बिल्डिंग है। नाउ फिफ्थ नंबर नेचुरल NATURAL नेचुरल यानी कि जो हमें भगवान के पास से मिलती है थिंग्स उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। लाइक आपको यहाँ पर उसके टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है। सम ऑफ द थिंग्स इन अवर एनवायरमेंट सच एज माउंटेन्स यानी कि कई ऐसी चीज है लाइक माउंटेन्स पर्वत द सन सूर्य प्लांट्स यानी कि पौधे स्टोन्स पत्थर एंड रिवर्स नदियां अगर इन नेचुरल यानी कि वो है वो कुदरत में से हमें मिलती है हमें नेचुरल यानी कि हमारे आसपास भी दिखाई देती है। दे आर नॉट मैन मेड बाय ह्यूमन थिंग्स यानी कि वो है वो ह्यूमन थिंग्स से नहीं बनाई यानी कि हमने मनुष्य ने नहीं बनाया है। थिंग्स दैट अगर इन नेचर यानी कि जो नेचर में कुदरत में से हमें मिलती है वो उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं यानी कि कुदरती चीज कहते हैं। लाइक आपको यहाँ पर सेकंड पेज में पिक्चर्स दिए हैं। फर्स्ट है वो माउंटेन का पिक्चर है देन रिवर नदी का पिक्चर है देन स्टोन्स पत्थर है और आखिरी में सन सूर्य यानी कि ये सभी थिंग्स है वो नेचुरल थिंग्स है। सम ऑफ द थिंग्स इन अवर एनवायरमेंट सच एज द रोड्स बिल्डिंग्स बोट्स शिप्स टेबल्स पेंस एंड पेंसिल्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स यानी कि अब हम मैन मेड थिंग्स के बारे में चलेंगे। नेचुरल थिंग्स के बारे में आपने देखा कि जो हमें नेचर यानी कि कुदरत में से मिलती है अब मैन मेड थिंग्स क्या है जो हमें एनवायरमेंट में कई ऐसी चीज है जो हमने बनाई यानी कि ह्यूमन बींग्स है मनुष्य ने बनाई है लाइक रोड्स है बिल्डिंग्स है बोट्स है शिप्स टेबल्स पेंस एंड पेंसिल्स वो अभी हम यूज कर रहे हैं पेंस एंड पेंसिल्स का और वो ह्यूमन बींग्स यानी कि वो मनुष्य ने बनाई है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। आपको तीन पिक्चर्स यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट है वो टेबल का है सेकंड है वो चेयर का है थर्ड है वो पेंसिल का पिक्चर्स है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखो सिक्स नंबर में एड्रेस लिखा देता है MANMADE मैन मेड यानी कि मनुष्य ने जो चीज बनाई है उसे हम मैन मेड कहते हैं। सो आपको आपकी टर्म बुक में बाजू में येलो कलर का बॉक्स दिखाई देता है वो येलो कलर का बॉक्स है उसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर यानी कि आपने जो अभी पढ़ा उसमें से आपको फोर ऑप्शन दिए हैं उसमें जो राइट आंसर है उसमें आपको टिक करना है कि वो एक्सरसाइज हो जाती है कि आपने क्या पढ़ा अभी। तो देखो चलो फर्स्ट है वो ऑल द थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम फॉर्म अवर फोर ऑप्शन है वो एनवायरमेंट सेकंड है वो होम है थर्ड है स्कूल फोर्थ सिटीज यानी कि फोर में से आपको क्या आंसर टिक करना है एनवायरमेंट ऑल थिंग्स है वो हमें कहाँ दिखाई देती है एनवायरमेंट में। नाउ सेकंड नंबर थिंग्स दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड फोर ऑप्शन है नेचुरल मैन मेड न्यू एंड आर्टिफिशियल थिंग्स यानी कि सभी चीज है वो नेचर में दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं नेचुरल थिंग्स राइट। तो आपको आंसर टिक करना है नेचुरल NATURAL नेचुरल राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से लर्न करना है और अपनी PBSC CEW बुक में 1-6 एडवर्ड्स 2 times लिखना है और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप स्कूल की चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।